सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहनाव। मैं निर्मला अग्रवाल अपने YouTube चैनल निर्मला अग्रवाल पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज मैं तैयार हुई हूँ वड्डा जाने के लिए। वड्डा जाना है आज मेरे को, क्यों आप करवा चौथ नज़दीक आ रहा है, उसका सामान लेने के लिए यानी शॉपिंग करने के लिए। तो चलते हैं वड्डा के लिए। अभी बने रहिए आप मेरे साथ, हम मिलेंगे आप डायरेक्ट वड्डा में। तो हम लोग आ चुके हैं वड्डा में और देखते हैं आप सामान। बाल्टी से दुकानों में सजा है करवा चौथ का सामान। और यहाँ पे भी भावना खड़ी है, चूड़ियाँ चूड़ियाँ सब लगी हैं। देखिए रेखा भी मिल चुकी है मेरे को। ये हेलो, ये सामान अभी मैंने बधाई देने जाना है, फिर आती हूं ऊपर। हां ओके चटाई। और यहाँ पे दुकान में हो रही है खरीदारी। ये पहुंच चुकी है मेरी बहन की दुकान में। और ये देखिए, और यहाँ पे दूसरी बहन भी मिल चुकी है मेरे को। ये देखिए ब्लॉग वाली है, ये ब्राउन है, हो गई खरीदारी। ये इसकी देवरानी देखो। अच्छा, ये देवरानी। अच्छा ये मेरी बहनी की देवरानी है। हेलो, ये देखिए हो गई तुम अभी की शॉपिंग। हो गई बस बस। तो देखो मेरा सामान बन चुका है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, आते रह रहे हैं और जाते रह रहे हैं। और यहाँ पे अभी लवी भी पहुँच गई है, ये देखिए। और सामान इसका मैंने पूरा पैक करके रखा है, खाली है, अभी आई है अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पे खाने को। खाने को और पड्डा में आते ही बोल रही है मेरे को भूख लग गई, जल्दी करो करके। ये देखिए बुक्कड़ है, ये बुक्कड़ मैं सब। ये यहाँ पे लवी पहनने लग गई है चूड़ियाँ, वो भी बिल्कुल लाल लाल। करवा चौथ में यही पहनते हैं, बस यही तो सुनना चाहती थी, बोल मैं वो सुन दिया। और दोस्तों देखो हमने पहन लिए चूड़ियाँ, ये मैंने भी पहन ली है, मतलब सन तो पहननी पहननी थी। तो ये रहा सामान, अब करेंगे इसका नाप तोल। नाप तोल करके भी ना ना ये मेट है, इतना ही मेट है, इतना ही लगी थी। तो दोस्तों देखो इतना सामान ले लिया है मैंने, अपना सामान भी लिया और लविशा के लिए भी बना के रखा था। और अब यहाँ पे कर रही है हिसाब किताब जमाई जी मेरे, और बैनी डाल रही है पन्नी में एक एक करके। तो अभी तक जितने लोग भी आए थे उनको निपटाया पहले, फिर आई हमारी बारी, क्योंकि हम घर के ही ठहरे तो हमको पीछे फेंक दिया मेरी बहन ने, कि बोला कि तू थोड़ी देर रुक जा, अपना सामान धीरे धीरे बना ले और पहले इनको निपटा लेती हूँ, तेरा धीरे धीरे बनाऊँगी। अभी दुकान में भीड़ कम हो चुकी है, तब उसके बाद हमारा नंबर आया। तो देखो हम आ गए हैं यहाँ पे दूसरी दुकान पे, यहाँ पे लेने के लिए आए हम रंगीला, और मेरे को पसंद आया है ये वाला, शॉर्ट चुनरी वाला है ये ले रही हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे रेखा और भावना भी पहुँच चुके हैं, और इससे ठंडे में भी आइसक्रीम खा रहे हैं। हो गई शॉपिंग, हो गई। चूड़ियाँ दिखाओ, ये चूड़ियाँ। और ये देखिए यहाँ पे, और सुमन की चली गई, यहाँ पे आई थी चली गई, तो ले लेते हैं एक बार। इतना ठंडा हो रहा है, ये खाली बेकार वाली आइसक्रीम क्यों लेके आई, चोकोबार वाली लेके आई। चोकोबार खत्म मार्च में है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, पता है यहाँ पे मिलता क्या है। हम पहुँच चुके हैं में, आप कहते हैं थोड़ी पेट पूजा, उसके बाद होगा हमारा काम दूजा। चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या बना है। तो
और यहाँ पे हमने बोल दिया है छोले समोसे के लिए, हमको तो ज़्यादा ही भूख लगी है। मैं खा नहीं सक रही हूँ, गले में मेरी दर्द है, लेकिन मुझे खाना है, पेट में मुझे बहुत भूख लगी है। घर में भी मेरे पास खाना नहीं खाया गया मुझसे, क्योंकि निकलना ही नहीं हो रहा है, पता है यहाँ पे दर्द हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझे तो कुछ चुप रखे। छोले समोसे मैं सब खा, मतलब तो ऐसा सोच रही है कि कब निधि फोन नीचे रखे और कब मैं इसमें टूट पड़ूं। सही बात है ना लवी, तो चलो फिर खा लेते हैं, बाद में बनाएंगे। यहाँ पे करवा चौथ की शॉपिंग करते करते सबको भूख लग गई है, ये देखिए। और सभी के प्लेटों में है छोला समोसे, छोले समोसे खा रहे हैं सभी। मने शांति मिल चाहिए, खाए बेटे। बुखार भी आ गया है इसको तो, लड़की को बर्त पोर्खी सब बुखार लाएगी बिन खाए। टेंशन हो गई है। तो दोस्तों देखो, खाना खा के हम लोग आ गए हैं ब्यूटी पार्लर में। और ये देखिए यहाँ पे, ये हम लोग तो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, खाली एक थ्रेडिंग करने के लिए आए हैं हम लोग, कि थ्रेडिंग भी ज़रूरी है। नहीं तो लवी का कहना है कि अगर थ्रेडिंग नहीं करेंगे हम लोग तो याक्कू दिख जाते हैं हम, एकदम याक्कू बोलती है लवी। तो थ्रेडिंग ज़रूरी है हमारे लिए, तो अभी हम थ्रेडिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पर। यहाँ पे करवा चौथ की जोर शोर से तैयारी हो रही है, ये देखिए बिल्कुल बहुत जोर शोर से हो रही है तैयारी। पति परमेश्वर की शॉपिंग हो रही है यहाँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि करवा चौथ पे पत्नी को गिफ्ट मिलता है, लेकिन निर्दिगा अलग है, ये अपनी पति को गिफ्ट कर रही है जीन्स। ओहो नाइस नाइस। और हम लोग आए हैं अभी अंकल जी की दुकान में, ऑल इन वन दुकान है, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हो गई है बहस, किस बात पे आप लोगों को पता ही होगा, लेडीजों की सबसे बड़ी बीमारी होती है कि जो भी दुकानदार बोलते हैं ना उसको कम करना है रेट, तो वो भी लगी पड़ी है रेट कम करवाने में। बोलना क्या बोलूं, मैंने बोला कि रेट कम करवाने में लगी है, कुछ तो बोल पागल, क्या डालेगी, करेंगे रेट कम करेंगे। कितना कितने का बोल रहे हैं? ये 950 का बोल रहे हैं, लेकिन 700 में मान गए हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे अंकल जी हैं, वाह वाह वाह। तो देखो हम लोग आ गए हैं वड्डा जी, और आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामान, हाथ भी थक गया है, और लवी का सामान, लवी को बहुत थकाई भी हो गई है, चल नहीं पा रही है बेचारी, बहुत एक तो बुखार भी आया इसको, ऊपर से खा दी ठंडी ठंडी आइसक्रीम, अब ज़्यादा बुखार आ गया है इसको। चल नहीं पा रही है ये देखिए। और आजकल खेतों में कोई नहीं दिख रहे हैं, देखिए आप, सारा काम सबका ख़त्म हो गया है खेतों का, अब है हमारी बाउंड्री की तैयारी, बाउंड्री की बारी, करवा चौथ के दूसरे दिन व्रत की खुमारी वहीं निकालेंगी। हाँ मैं पहुंच चुकी हूं घर में, और बज गया है 3, सुबह 10:30 गई थी मैं, और घर में पहुंची हूं 3:00, और यहां पे देखिए मेरा सामान। तो दोस्तों देखो ये है करवा चौथ का सामान, ये देखिए, और ये रंगीला लाई थी मैं अपने लिए, और ये है ब्लाउज मम्मी के लिए। देखो दोस्तों ये और छे क्या जी, फिर भी लाइक और शेयर नहीं करते हो, और ये बता रही है। तो देखिए ये है मंदिर का सब सामान, और इसमें पेंट लाई थी मैं अपने पति के लिए, ये देखिए। तो अब मैं अब वीडियो की समाप्ति के लिए यही पे कर देते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों बाय।